हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो जैसा कि तुम्हें पता है भाई, क्रिकेट चल रही है हर तरफ ही। हमारे इस गेमिंग चैनल के ऊपर भी हमने क्रिकेट 24 से टूर्नामेंट शुरू किया है और वर्ल्ड कप भी T20 का शुरू हो चुका है। और हमने एक वीडियो डाली पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मैच की, रियल मैच से पहले। और मैंने तुम्हें बोला था कि भाई देख लो, यही होना है जो यहाँ भी हो रहा है। और तुम्हें मैं बताना चाहूंगा कि इत्तफाक से बहुत सारी चीजें वैसी हुई हैं। जैसे विराट कोहली नहीं चला, आउट हो गया। रोहित शर्मा नहीं चला, आउट हो गया। हमारे भी गेम प्ले में हुआ। और उसके अलावा विकेटों की लाइन लग गई पूरी इंडियन बैटिंग की, रियल में भी लग गई। फिर उसके बाद चला कौन सा बैट्समैन? सिर्फ एक बैट्समैन, ऋषभ पंत। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ किए उतने ही वहां पे भी किए। तो मतलब कितने सारे इत्तफाक हो रहे हैं, जैसा कि तुम देख ही सकते हो भाई। हमारे गेम में भी पहले इंडिया ने बैटिंग की, वहां पे भी इंडिया ने बैटिंग की, देख रहे हो। मतलब कोई एक चीज ऐसी नहीं है सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो है मैच रिजल्ट। फिर उसके बाद आई पाकिस्तान की बैटिंग, बाबर आजम ना हमारी गेम प्ले में चला ना वहां पे चला। फिर उसके बाद रिजवान थोड़ा सा यहाँ पे चला, रिजवान वहां पे भी चला थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी बैटिंग लाइनअप की, यहाँ पे भी लाइन लगी, वहां पे भी सारी लाइन लगी बैटिंग की। लेकिन यहाँ पे बस छोटा सा डिफरेंस जो इत्तफाक नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, वो ये था कि यहाँ पे पाकिस्तान मैच जीत गया और वहां पे पाकिस्तान मैच हार गया। मैच पाकिस्तान दोनों तरफ जीता हुआ था, यहाँ जीता हुआ मैच फंसा के जीत गए, वहां जीता हुआ मैच फंसा के हार गए। बस एक चीज खराब होगी, बाकी हर एक चीज हमारे गेम प्ले के अकॉर्डिंग हुई। तो तुम देख रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरा गेम प्ले, हर मैच से पहले ये लाजमी देखा। तो अगला मैच है हमारा आयरलैंड के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम आयरलैंड वाला ही मैच खेलने जा रहे हैं। हमारी टीम आयरलैंड की टीम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीम तो हमारी यूएसए से भी स्ट्रॉन्ग थी। क्या करूं गाइस, नहीं भुला पा रहा मैं ये गम। डिफिकल्टी गाइस हम कर देंगे हार्ड, क्योंकि तुम्हें पता है पिच बड़ी मुश्किल है। कैसी पिच है वहां की? बड़ी कोई चे किस्म की पिच है, डस्टी कर दे पिच। क्रैक्स तो बहुत है भाई, फुल हैवी करें भाई। देखो हमें जीतना अच्छे खासे रन रेट से, तो आज मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं चाहिए। भाड़ में क्या सारा एक्सपीरियंस, और ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया है ना अपना यूएसए इंडिया की तरफ, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब ये एक्सपीरियंस। मैं खिलाऊंगा नए लड़के, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे तो मेरी चल रही है। मैं खिलाऊंगा 11 के 11 नए लड़के, तो दो तीन को छोड़ गए ऑफकोर्स। तो गाइस फाइनली ये है मेरा फाइनल स्कोर, ठीक है। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान करेंगे ओपन मेरी तरफ से। फिर वन डाउन बाबर आजम, टू डाउन सेकंड डाउन आ गया हमारे पास अब्दुल्ला शफीक, फिर सलमान अली आ गया, सरफराज अहमद की हमने कम बैक करवा लिया है सिर्फ एज अ कैप्टन, ठीक है, ना ही एज अ विकेट कीपर, ना ही एज अ बैट्समैन। बट एक कैप्टन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात मुझे रियलाइज हुई है जब से बाबर कैप्टन बना है। फिर उसके बाद शाहीन शाफरीदी, एक स्पिनर आ गया उसामा मीर। मैंने बेस्ट स्क्वाड सिलेक्ट कर दिया, ये जो हमारे चीफ सिलेक्टर सिलेक्टर स्लुक्टर इनकी औकात ही नहीं है। तेज खेलने वाले भी आ गए और मिडल ऑर्डर में जो चीज हमें चाहिए, ये शदाब लुल्लड़ पुल्लड़, ये इफ्तखार चचा इमाद, ये लुल्लियां पुलियां जो मारते रहते थे ना, उनसे 10 गुना अच्छा मिडल ऑर्डर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर तुम्हें क्रिकेट की नॉलेज है तो तुम मेरे से एग्री करोगे, बात खत्म। मैं कहता हूँ पीसीबी को मेरे से रब्ता करना चाहिए, मैं उन्हें एक अच्छा स्क्वाड सिलेक्ट करके दूंगा। ये ना हो मैं ये मैच आयरलैंड से हार जाऊं, ये वीडियो अपलोड नहीं होगी कभी। फराज भाई इज बैक गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी वापस आने लगी है गाइस। देखा टॉस भी नहीं, हमें जीतना अच्छे रन रेट से, तो हमें बड़ा टारगेट लगाना है, तो हम बॉलिंग शॉलिंग नहीं कर रहे। ये तुम देख रहे हो पहले बाबर कैप्टन था इंडिया के, हम टॉस हार गए थे, वो लगवा था हम रियल में जीत गए थे। लेकिन एज अ कैप्टन बाबर की किस्मत अच्छी नहीं है, ये हम सबको पता है। सिर्फ इसी वजह से मैंने सरफराज को डाला कि उसकी किस्मत अच्छी है। और ये हमारे बैट्समैन गाइज क्रीज पे आ चुके हैं। मैच की डिफिकल्टी हार्ड है, पिच हार्ड है, क्रैक्स अच्छे खासे हैं पिच में। तुम्हें क्रैक यहाँ पे देखो नजर आ भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि असल में ना मैं बहुत ज्यादा प्रो हूँ इस गेम, चाहे हार्ड हो चाहे जो भी हो चाहे जैसा भी हो। आज हमने 200 से भी ऊपर जाना है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 200 पे रुक नहीं जाना। ये नहीं मैं कि 200 पे जाके बस किसी तरीके से घिस पीट के 200 हो जाए, ना 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 ना। ये देख रहे हो इनकी तो थ्रो ही नहीं लगी। फखर भाई कम ऑन, पुराने दिन याद करवा दो इनको। ये वैसे आप इतनी टेक्निक से खेलते तो नहीं हो, ये चौका नहीं होगा। वैसे गाइस देखो 200 से ऊपर बंदा तभी जाता है जब हाथ में विकेट्स भी हो, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऊपर से हार्ड भी है और पिच भी बड़ी हरामी किस्म की है, लेकिन जो है हमें गैप्स तो नजर आ रहे हैं ना। वैसे इतना क्राउड आ नहीं सकता पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में, मैं मानता नहीं। आयरलैंड को देखने तो लोग आएंगे नहीं, और पाकिस्तान की जो लेवल चल रहा है क्रिकेट का, नहीं नहीं उस पर कोई इतने पैसे खर्च करेगा नहीं। ये लेकिन ये भी चौका नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत स्लो हो गया, टाइम नहीं हो पा रही ये वाली शॉट, वरना ये चौका चला जाता है यार। ये चौका है, नहीं हुआ चौका। इसमें भी टाइमिंग ओके है रिजवान भाई, आपकी टाइमिंग एक आयरलैंड के बॉलर के अगेंस्ट भी ओके है। ये गैप गया, ये चौका शायद हो ना पाए, लेकिन गैप अच्छा था गाइस, वैसे मानना पड़ेगा।
यार मैंने पिच में कुछ ज्यादा ही क्रैक्स कर लिए, मुझे यहां से इतने बड़े बड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं, है ना। अब ऐसे रिस्क शिस्क तो लेने पड़ेंगे, ऐसे आपस की बात हो। मैंने यहाँ शॉट मारी नहीं, यहाँ से हम ये तो चार हो जाना चाहिए यार, कम ऑन। इतना अच्छा अभी टाइम नहीं हुआ। ऐसे वैसे हमने दो इंडिया के आउट किए थे। भाई ये किस्मत से बच गया हूँ मैं, ये कुदरत का निजाम है। और ये जब सरफराज भाई कैप्टन होते ना, ये तभी होता है। ये देखो, ये हल्का सा भी इधर उधर होता तो बेल्स गिर जानी थी। रिजवान तो पूरी अपनी रियल फॉर्म में आ गया गाइस, 21 बॉलों पे 15। ये वही ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, विकेट्स हाथ में रख ले। हम पिन भी आ गया और किंग भी आ गया भाई। रिजवान भाई आपने अच्छी खासी बॉल खेली है, अब आप मारो शॉट्स। जैसे ये आपने ब्यूटीफुल शॉट मारी है, चौका कम से कम होना। ये गुड गुड गुड, पेल दो इनको, पेल दो पकड़ के, दिखा दो आप कौन हो। ये ऐसी तैसी कर दो इनकी। ये एक और गैप, ये देखो ना रिजवान भाई, ये होता है IQ के। उनके हमने कमजोर बॉलर को पकड़ा, आप चले थे जसप्रीत बुमराह को छक्का मारने, थोड़ा दिमाग विमाग यूज कर लिया करो यार। तेरी बहन की, सारा तेरे पे ही मैंने पूरा कर देना भाई, जहां से रन आ रहे हैं ले ही जाओ, बस सिंपल सी बात है। ये चौका नहीं होगा वैसे गाइस, मुझे लग रहा है, सही लगा है मुझे। अब जाके गाइस रन रेट 6 पे आया है। यार बाबर भाई आप तेज खेलो, आप ये बॉल स्विंग हो गई असल में। किंग भाई आप कुछ करो, किंग भाई ये क्या किया, ट्रेड पे एक आधा चौका अगर ऐसे नहीं निकला। ये हमने करते रहना बीच में, डॉट्स बॉल नहीं जानी चाहिए। दो दो सिंगल, दो सिंगल, दो दो तीन, दो तीन, ऐसे ऐसे ये नहीं रुकने चाहिए यार। मतलब मुझे साथ लेके जाएं ये, मैं इनको गाइड करूंगा। ऐसी पता नहीं हजारों डॉलर्स दे दे के रखे हुए हैं पैन दी सीरी। मैं ये शॉट खेलना सिखाऊंगा बाबर को भाई साहो। भाई इसको हम दोबारा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बाबर भाई कम ऑन, बाबर भाई व्हाट इज दिस यार। रिजवान ने अच्छे खासे उसको खल्ले मारे हैं, आप उस पी की बॉल पे आउट हो गए यार। कम ऑन अब्दुल्ला शफीक, कम ऑन, अपनी जगह पक्की कर लेनी है आज के मैच में। ऐसे गैप में मारी है, उन दोनों को समझ ही नहीं आ रही किसने उठानी। मुझे लगा आउट 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 हो गया, कोई बात नहीं। हमने अब्दुल्ला शफीक को बली का बकरा बना दिया, कोई बात नहीं। एक गया हमारे पास, एक और मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। अच्छा देखो उसकी गलती नहीं थी, मैंने यकीन लगाई ऐसे वाली, और ये मैंने इसको भी आउट करा दिया। मैं सबको आउट कराऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ। असल में मैं सरफराज भाई को लेके आना चाह रहा था, आप समझ नहीं रहे। मैं चाह रहा था कि दोनों विकेट कीपर इकट्ठे हो जाएं और ये दो ही इनको पकड़, और ये मैंने कैच दे दिया जबरदस्त। असल में गाइस मैं करवा रहा हूँ इनकी कैचिंग प्रैक्टिस। 33 बॉलों पे 40 रन। देखो असल में मैं चाह रहा हूँ सरफराज भाई का कमबैक, तो अब वो कमबैक के लिए टीम फंसेगी और सरफराज भाई एक ग्रेट इनिंग खेलेंगे, तभी सब फैन बनेंगे ना सरफराज भाई के। तो ये बेसिकली वो है सारा। ये शॉट्स भाई नीचे चेक करो, फुटवर्क, टाइमिंग, शॉट चॉइस, सब आइडियल। ये है सरफराज भाई, रियल में ऐसे नहीं है लेकिन गेम में है। ये क्या शॉट खेल दिया यार सरफराज भाई, लेवल कर दिया। ओहो बेहतरीन, वैसे जरूरत नहीं थी डाइव मारने की, लेकिन चलो यार सरफराज भाई विकेट नहीं देनी आपने, बेशक आप छक्के ना भी मारो। गाइस पूरी गेम में एक कैच भी छोड़ा उन्होंने, एक कैच छोड़ा और वो सरफराज का। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ सरफराज बहुत लकी है। ये देखो कुदरत का निजाम नहीं है तो क्या है, इस बंदे के साथ गेम में भी कुदरत का निजाम है। तुम लोग मेरी बातें सीरियस क्यों नहीं ले रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, दिस इज समथिंग एल्स। शहीन साहब आपने ज्यादा शोखे नहीं हो ना, ठीक है आपने बस खड़े रहना है।
वाह भाई वाह, क्या खड़े हुए हो यार आप तो। गाइस 200 से ऊपर तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल से तो 200 भी बहुत दूर लग रहा है अब। क्या ख्याल है गाइस फिर अब क्या हो सकता है, वापस 150? यार गाइस पिच देखो ना यार, तुम पिच देखो, पिच ही ऐसी है, इस पिच पे 200 कहाँ होता है। शॉट शॉट होगा सिंगल ही, लेकिन अच्छा यार 12 ओवर हो गया भाई, सो नहीं हुआ भाई अभी तक। ये क्या बात हुई यार, ये तो वापिस हम अपनी औकात में आ गए, असली बैटिंग वाली पे आ गए यार। इतनी स्विंग हो रही है भाई, क्या है यार, मुंह उधर है, थ्रो पीछे लग रही है और डायरेक्ट लग रही है। वाह 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 वाह, तालियां हो जाए जरा क्रिकेट 24 वालों के लिए। शाहीन इतना लंबा है भाई, तू शॉट क्यों नहीं मारता हैं? शॉट मार। ओ चौका हो गया, चौका हो गया। कम ऑन चीनू, कम ऑन। बॉलिंग में भी तुम दोनों से ही उम्मीद है और बैटिंग में भी। ओ भाई इतना लंबा तू है, अब मैं इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना भाई, मैं जब आगे बढ़ा ही नहीं, इतनी अंदर उसकी टांग थी, शॉट खेलते खेलते वो टांग बाहर जा रही है चौथे महल। जा यार शीनू तू एली है भाई। गाइस कट खेल के दिखाता हूँ तुम्हें मैं, बेहतरीन कट ये देखो, ये कैसा खेला भाई। 15 ओवरों में भी 100 नहीं हुआ गाइस हमारा, ये यहीं कहीं फेंकेंगे मुझे पता है इसका। ये होता है क्रिकेट का एक्सपीरियंस, मुझे पता था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे से खेली नहीं गई, ये है मेरी घटिया स्किल्स। ये तो वाइड है जान दे, ओए वाइड नहीं मैं बता, ओए मैं रेसिस्ट बन जाऊंगा फिर। रेसिस्ट मतलब गाइस मुझे रेसिस लगाने का ना शौक है, रेस लगाना है बाइक पे गाड़ी पे, तो मैं वो रेसिस्ट उसकी बात करूं, किसी और चीज की बात नहीं कर। ये स्ट्रेट खाली है यार, मैं शॉर्ट खेल सकता हूँ। ये स्ट्रेट है यार, नसीम व्हाट द एफ यार। देख हसन अली मुझे पता है तूने बड़े छक्के मारे हुए हैं, यहां से निकालूंगा चौका पैंदी सीधी, ये छक्का सीधा। मैं विकेट छोड़ी, मुझे बोल्ड करने चला, इतना हो गया तू, इतनी औकात है मेरी। और यार गाइस हम आ चुके हैं अपनी 11वीं विकेट पे, बिल्कुल ही लानत हो गई हमको। पहले 200 से ऊपर से शुरू हुआ, फिर 200, फिर 150, फिर 130 35, और मेरे ख्याल से 120 भी नहीं बन रहा यहाँ पे। तो गाइस अगर मैं इनके ऊपर से छक्का मारने की कोशिश करूँ, ओ भाई जो बैट्समैन से नहीं हुआ वो बॉलर कर रहा है हमारा 11वें नंबर। वाह भाई वाह, वैसे अगर आपको याद हो तो आखिरी मैच में आमिर ने ही चौका मार के जितवाया था। गाइस ये फिर हम कोशिश कर सकते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ चौका तो होना चाहिए यार, कम ऑन। गुड हो गया जी, गुड हो गया, छिक्के रखो कम। यार मैंने मारी कहीं है यार, गई कहीं है यार, कम ऑन यार, ये गलत बात है गाइस, मैंने मारी नहीं शॉट उधर। 126, ये तो रियल वाली टीम आ गई शहीने, कम ऑन, ऐसी तैसी कर देंगी। ओ एज निकला भाई पहली बॉल पे। और यार चौका नहीं होना चाहिए भाई, भागो। अपील है भाई, अपील है, आउट है यार भाई, क्यों? लो भाई रिव्यू लो, इन लाइन इन लाइन। यार ये गलत बात है यार, आउट था यार सीधा सीधा। कैच कैच कैच, कम ऑन कम ऑन, निकल बाहर ऐसी की तैसी। ये हमारे पास फजूल रन नहीं है देने को, ऐसे निकल आएगा मुझे लग रहा है यार, निकला भी तो भाई किधर निकल के चला गया भाई, क्या करूं मैं। अजय भाई अजय नहीं है वैसे, कमान कमान जनरेटर कमान, कम बैक कर ले अपना भाई, तुझे तो ऐसे खेलने हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। किलियां तोड़ दे, मैं कहता हूँ चीर फाड़ कर दे। कैच 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 कैच, भाई दूसरी बॉल में विकेट। ओ भाई गुड हो गया जी, गुड हो गया गाइस, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम वापस आ रही है। मैं एक रिस्क लेना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस फील्डर को इधर खड़ा कर लें, रिस्क है गाइस, बट आई डोंट नो ये चीज वर्क करेगी कि नहीं, बट व्हाई नॉट। यार वाइड ना देंगे भाई प्लीज, आमिर की बॉल से मुझे लग रहा है कैच आएगा, कैच आएगा।
मार। ओ भाई मार मार, Flex that one simple as you like inside the ring. वाह क्या थ्रो फेंकी जबरदस्त। Power and precision in that shot. It was timed well. Great shot. Nice and compact on the front foot. Head was. यार कैसे यार कैसे। नसीम शाह को गाइस हम ले आए हैं पहला ओवर पहली बॉल और बेहतरीन बाउंसर, लेकिन होगा सिर्फ सिंगल ही। इसी के साथ आयरलैंड ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं जो कि हमने बड़ी देर बाद किए। और मैं करने जा रहा हूँ गाइस इसको बोल्ड इस बॉल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं एल बोल्ड किया हमने। फील करो सारे, कमॉन कमॉन, ये तो मिला हुआ है बैंड लटका वैसे। गाइस इट्स टाइम पिन को लेकर। हम भी यूटिलाइज करें, इतनी जो स्विंग हो रही है गाइस। हम तो वैसे आपस की वजह मैच हम हार रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो गाइस, तो मैच हमारे हाथ में है नहीं। यार कैच कैच कैच। Yes! साले 18 रन बना लिए। देखो ये फील्डर वहां पीछे खड़ा हुआ था, मैं उसको उठा के यहाँ लाया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इधर कैच आएगा। तो गाइस अब तुम्हें पता चल रहा है कि स्पिन को कितनी हेल्प मिल रही है। जब मैं खेल रहा था तुम लोग समझ रहे हो गया है नूब, खेलना ही नहीं आ रहा। ओ भाई चेक तो करो, स्पिन की बॉल टच नहीं हो रही भाई। ये तो फुटबॉल का मैच चल रहा है। 3-4 हमें साथ यार, इमाद हुसैन को डाल लेते किसी एक स्पिनर, इब्रार को डाल लेते यार किसी स्पिन को रखते यार हम। मैंने फास्ट बॉलर पे फास्ट बॉलर खिला लिए सारे। कमॉन अपील करो सारे। यार एक तो ये इसको कुछ नजर ही नहीं आता, ना ये खुद नजर आता है। डायरेक्ट थ्रो। ओ भाई चौका नहीं चौका। ये पता नहीं क्या किया भाई, ये क्या थ्रो है, क्या है ये, क्या चल रही है, ये क्या है, ये क्या किया है। 3 रन ले लिए, चौका ही दे देता इससे अच्छा। अपील है, एज निकला यार, एज निकला है, कम ऑन यार, एज नहीं निकला यार। मेरे पास एक तो रिव्यू भी आखिरी है लेकिन मैं ले रहा हूँ भाई, मुझे नजर आया एज निकलता हुआ यार। यार सरफराज भाई मुझे आउट चाहिए, मुझे नहीं पता यार, मैं कह रहा हूँ जब एज निकला है। ये देखो ये थप्पा खाया, साथ ही बल्ले पे लग के फिर गई है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई है यार। ऑफ यार, सामा मीर का आखिरी ओवर है, मेरे ख्याल से इसको बचा लिया जाए फिलहाल। सलमान अली इससे करवा दो। कम ऑन कम ऑन यार, अब हमारे पे रिव्यू भी नहीं है अनफॉर्चूनेटली। ये तो आउट है यार, कम ऑन। शहीन साहब आपको लेके पता क्यों आया हूँ मैं, ताकि आप मुझे यहाँ से विकेट निकाल के दो, चाहे जैसे मर्जी निकाल के दो, बस विकेट निकाल के दो। एज निकलेगा निकलेगा, दो स्लिप पे मैंने खड़े किए हुए यार, ये बेस्ट था बाउंसर। लेकिन गाइस उसने हमें वार्निंग दे दी है, वन हाई की अगली नो दे देगा, लेकिन मैं स्लो फेंकूंगा अब। भाई यार क्या बाउंसर था यार इससे पिछले बार, मजा कर दिया शहीन। कैच यार, हमने ना लेग साइड सारी छोड़ दी है। कैच कैच, ओ यार यहां से कैसे निकल सकती है यार। शाहीन का आखिरी ओवर करवा रहा हूं गाइस मैं। कैच कैच, कम ऑन कम ऑन यार, ये नहीं पकड़ना तो क्या पकड़ना है, एल पकड़ लो मेरा फिर। 17-23 भाई, ये क्या कर लिया है हमने। वाइड यॉर्कर मार रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि मुझे बॉलें ज़ाया करवानी है फिलहाल।
अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। ओ भाई बॉल देख ले कहाँ भागी जा रहा है यार, मेरा दिमाग खराब करी है ये टीम। सामा मीर से गाइस अनफॉर्चुनेटली हमें आखिरी ओवर अभी करवाना पड़ेगा भाई, तू आखिरी उम्मीद है इस मैच की। ओ भाई बॉल पकड़, अजीब हरकते हैं यार इन लोगों की। ओ यार आउट 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 आउट, कम ऑन कम ऑन, सिंगल भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी लेंथ पे करा दिया इसको, बनता तो नहीं है अपील करना लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये आउट को आउट नहीं देते भाई, ये कहाँ से देंगे यार। बहुत अच्छे स्पेल करा गया यार सामा में। गाइस आखिरी ओवर है, बात चली गई है भाई आखिरी ओवर है। अब आमिर को ओवर दिया जा सकता है, हसन अली को ओवर दिया जा सकता है। आमिर ने 3 ओवरों में 20 खाया है, उसने 2 ओवरों में 13 खाया है लेकिन 1 विकेट भी लिया है। सलमान अली आगा ने 2 ओवरों में 16 खाया है। यार गाइस मैं फंस गया हूं, सलमान अली आगा को 3 चौके पड़े हैं, मसला सारा ये है। आई थिंक हमें इस सिचुएशन में एक एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाना चाहिए, हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छी चॉइस आमिर नहीं है बट क्योंकि वह एक्सपीरियंस बॉलर है तो मैं इस वजह से उसके साथ जा रहा हूँ। आमिर साहब सारा मैच आपके ऊपर है, खुदा का वास्ता है आपको, अपना एक्सपीरियंस दिखा दो आज। कैच 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 कैच, ये चीता भाई। मैं वाइड यॉर्कर की तरफ जाऊंगा, मुझे विकेट शिकट लेने का कोई शौक नहीं है भाई। अगला बंदा 7-34 बना के खड़ा हुआ है। यार सरफराज भाई विकेट के ऊपर खड़े हो जाओ यार भाई, 34 वाला बैट्समैन सामने आ गया है। 4/15 यार आमिर भाई, नहीं करो यार नहीं करो। भाई 2 पे 10 रन भाई, मैं वाइड यॉर्कर ही फेंकूंगा और स्लो फेंकूंगा, मेरे ख्याल से बीट कर सकते हैं। ओ भाई ये देखो भाई, यहाँ यहाँ से सोचना पड़ता है, यहाँ से सोच के वहां पे करना पड़ता है। मैच गाइस हम जीत चुके हैं, हम मारेंगे सीधा यॉर्कर ताकि हम आमिर साहब को एक और विकेट दिलवा सकें। और ये फुल तेज और ये कुछ भी नहीं हुआ, और इसी के साथ हमने आयरलैंड को गाइस मैच हरा दिया है। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा अगला मैच होने वाला है आयरलैंड के साथ वो हम जीतेंगे, लेकिन लो स्कोरिंग मैच होने वाला है दोबारा से। सच बताऊं तो पूरे मैच में मुझे ये लग रहा था कि यार मैं मैच बंद कर दूं, ये मैच मैं नहीं जीतने लगा और ये वीडियो खराब हो गई है। लेकिन मतलब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई, मैं रियल लगता हूँ चीजें। हालांकि मैं चाहता तो मैं कहीं भी मैच बंद कर सकता था और दोबारा से शुरू करता, थोड़ा इजी रख लेता ताकि हाई स्कोरिंग मैच होता और बड़ा वो हो जाता, लेकिन भाई जो चीज रियल है वो रियल है। रियल में भी मैच हमने हारा हुआ मैच एंड में हमने फंसा के जितवा लिया, रना बॉल चाहिए थे उन्हें भी। ये तो भाई जैसे आजकल वर्ल्ड कप में मैचेस हो रहे हैं वैसी पिच हो गई है, वैसे ही सारा कुछ हो गया है, स्पिन की ऐसी स्विंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हमने नेक्स्ट मैच अपना यहाँ खेला, मैंने स्पिनर्स भर देने सारे भाई, हमारे टॉप स्कोरर ने 40 बनाए हैं, उनके बनाए हैं 39 जो कि नॉट आउट गया, उनके बॉलर ने 3 विकेट्स लिए हैं, हमारे बॉलर ने भी 3 विकेट लिए हैं, लेकिन खैर जैसे तैसे करके हम गाइस मैच जीत चुके हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या लगता है आयरलैंड वाले मैच में क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।